एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, और अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन आर टू ईयर्स एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट लाइन इज बिहाइंड द नोज, बिटवीन टू ईयर्स, अबव पैलेट एंड बिलो ब्रह्मरंध्र। इस पॉइंट को अपने सामने मानकर अपनी सारी अटेंशन को सांस लेने और छोड़ने में, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपने आसपास जो कोई भी है, जो इस पितृ पक्ष में हमसे सेल्वेशन के प्रोसेस को इन्वोक करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, उन सबको साक्षात भगवान विष्णु मानेंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि वो अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। हमारे आसपास जो कोई भी है, वो साक्षात भगवान विष्णु है। उनसे प्रार्थना है कि वो विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े तथा हमारे किसी भी कारण से अगर उनको कोई कष्ट हुआ है तो वो हमें क्षमा प्रदान करें, और जब भी समय होगा हम उनकी मुक्ति के लिए जो भी सार्थक प्रयास आवश्यक है वो जरूर करेंगे। अहम् ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम् परम पदम्। 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 अब अपने आसपास जो कोई भी प्रेत रूप में, पितृ रूप में, अतृप्त अवस्था में है,
उसको हम श्रीमद् भगवद् गीता के 7वें अध्याय के पाठ का फल प्रदान करेंगे। तो पहले हम 7वें अध्याय को ध्यान करेंगे। श्री भगवान उवाच, मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी मय्याशक्त मना पार्थ योगम युजुन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मणी ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषता यजत ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी मन्य मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्ये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वता मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी भूमिरापोऽनलो वायुः शमनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरश्चदा मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी अपरिमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो येदं धार्यते जगत् मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी एतद्योनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम् कृतस्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जये मयि शर्मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी रसो हम पशु कौन्तेय प्रभाष्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाशे पौरुषम निषु मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी पुण्यो गंधा पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिपाठ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी बलम वलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृसभा मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी ये चैव सात्विका भावा राजस्ताम शास्त्रीय मत एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरपि शर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम् मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते ते मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहरत ज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता मन्यलक्षणी शाराचारो शर्वान् श्री कृष्णा सर्गा कृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी श्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्षणी
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं शचमं प्रिया मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी उदारा शर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्चिता सही युक्तात्मा मामे वान उत्तमाम गति मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा शर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियताश्वया मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदधाम्यहं मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी शतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहिते लभते च तथा कामन्मय्ये वीतानैतान् मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मापपि देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्यं मनुत्तमं मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं व्ययं मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी वेदाहं शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी इच्छाद्वैषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म त्वदिदु कृतस्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी शादीभूतादिदेवं मां शादीयज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा मन्यलक्ष्मी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु मन्यलक्ष्मी मन्यलक्ष्मी स्ववृक्षमाक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मन्यलक्ष्मी। अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परं पदम्
अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। हमारे भीतर जितने भी सेल हैं, जिनके ऊपर इस पाठ का फल प्रभावित करता है, उन सबको अपने शरीर के भीतर ईश्वर का अंश मानेंगे। उस प्रत्येक सेल में श्री और कृष्ण को ध्यान करेंगे। और इस पाठ की सुनने का जो फल है, वो अपने परिवार के समस्त पितरों को प्रदान करेंगे, अपने गोत्र के ऋषियों को देंगे, अपने परिवार के, अपनी माता के परिवार के, अपनी दादी के परिवार के। इस प्रकार जो भी परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, शादीशुदा हैं तो पत्नी के परिवार के समस्त गोत्र ऋषियों को, परिवार के समस्त लोगों को इस पाठ की ऊर्जा का फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ कोई भी जिसको पिंड ना मिल रहा हो, जिसको तर्पण मार्जन ना मिल रहा हो, जिसके परिवार में कोई उसको पिंड ना दे रहा हो, उसको इस श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का फल ब्रह्म विद्या के साथ हम प्रदान करते हैं, ताकि आप सब लोग जो साक्षात भगवान विष्णु हैं, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ें और हमें उत्तम आशीर्वाद दें, ताकि हम अपने परिवार के साथ इस देश में वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक उन्नति मिले, शारीरिक उन्नति मिले, मानसिक उन्नति मिले, ऐसी अपनी प्रार्थना है। जाने अनजाने इस पाठ में करने में कोई भी त्रुटि हुई हो, तो हमारे को अज्ञानी समझ के क्षमा प्रदान करें और आप उत्तम लोगों को प्राप्त हो, ऐसी आपसे प्रार्थना। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं।
अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। जी राजेश जी।